क्योंकि एक ही साल नौकरी का हुआ है और पत्नी का मन इतना बढ़ गया है कि मतलब छोड़ के चले गई है। प्रिंसिपल के गर्लफ्रेंड बनने के बाद जो है अटेंडेंस फ्री में बन रहा है, ऐसे भी मास्टर लोग स्कूल जाता कहाँ है, उनका तो अटेंडेंस बन जा रहा है, लेकिन इनकी पत्नी को फायदा हो गया हेडमास्टर से चक्कर चलाने का कि उनको अटेंडेंस देना नहीं पड़ रहा है और सैलरी उठ रहा है, यही ना। मम्मी है ना, रोज रात को है ना इन मास्टर आता था। अच्छा, ऐसे शिक्षक को नौकरी में होना चाहिए जो ऐसे ऐसे संस्कार रखते हैं। आपकी शादी कैसे हुई थी ये बताइए। वो मेरे शादी लव मैरिज हुई थी। आप लव मैरिज किए थे, कहाँ आप देख लिए थे इसको? और रिश्तेदारी। बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अच्छा देखिए, बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ ना, पत्नी को नहीं पढ़ाओ। वही पत्नी को नहीं पढ़ाओ। टीचर वाला वैकेंसी आ रहा है, मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद जो है बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नी को बुला लेंगे कि बोलेंगे भाई सीटेट टीटेट और ये सब जो है डीलेट वाला ये सब करना बंद करो, नहीं तो पता चला चंदन जी वाला और फिर बाद में SDM ज्योति मोरिया वाला, आलोक मोरिया वाला जो है हाल हो जाए। SDM ज्योति मोरिया और आलोक मोरिया की जो कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन सेम कहानी जो है बिहार में देखने को मिल रही है, जहां पर ये चंदन जी जो है अपनी पत्नी को शिक्षक बनाते हैं, उसके बाद इनकी पत्नी जो है शिक्षिका बनने के बाद हेडमास्टर के साथ भाग जाती है। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी अब ज्योति मोरिया के तरह ऐसी ऐसी घटना सामने आई है, जहां पर जो पति जो देख रहे होंगे जो सीटेट बीटेट सीटेट जो भी कराते हैं और पत्नी को शिक्षक बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कहानी जो है उनको ले डूबेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं इनके जैसा हाल ना हो जाए, जहां ये पत्नी को 10वां 12वां सब चीज़ कराते हैं और फिर शिक्षिका बनाने की कोशिश करते हैं, उनके बाद इनको छोड़कर ही हेडमास्टर के साथ चले जाती है। उसके बाद हेडमास्टर भी वैसा कि उस प्रेम करने के बाद अटेंडेंस भी जो है फ्री में बन रहा है, यानी कि इनकी पत्नी स्कूल नहीं जाती है तब भी इनका अटेंडेंस बन रहा है, क्या यही सब बात है ना? हाँ यही बात है, स्कूल नहीं आती फिर भी जैसे उनका अटेंडेंस बन रहा है। कब किए थे शादी? मैं 2010 में शादी किया था। कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए थे? मैंने जैसे वो मैट्रिक करके आई थी वो अपने नहरा से। अच्छा। मायकन से, उसके बाद मैंने इंटर ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग दरभंगा से करवाया था और मैट्रिक इंटर अपने जंदहा से करवाया। आप सोचे थे कि हम भी खुद शिक्षक बनेंगे, उसको भी मतलब पढ़ाएंगे? जी जी, मैं खुद भी पढ़ूंगा और उनको भी पढ़ाऊंगा और आगे कोई ना कोई जैसे अच्छा नौकरी पाऊं। सोचे थे नीतीश कुमार जी वाला जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला खिस्सा जो है उसको बहुत पढ़ाएंगे आगे बनाएंगे, ये सब चीज सोचे थे? जी जी जी। तो वो तो मास्टरनी बन गई, आप कहाँ रह गए हो? हम भी जो एक प्राइवेट स्कूल किसी तरह चला रहे हैं, हम भी कंपटीशन की तैयारी की मगर 3 नंबर से छूट गया था। आपका छूट गया था? जी जी। तो सोचे थे कि पत्नी भी कमाएगी हम भी कमाएंगे, सब लोग सोचता है, लेकिन गलती कहाँ हो गई? गलती हो गई जैसे नौकरी के बाद उनका जैसे दिमाग जो चेंज हो गया। चेंज हो गया जी। आपकी पत्नी कहाँ की रहने वाली है? रोसरा के सिंगिया थाना के अंतर्गत। सिंगिया थाना के रहने वाली, क्या नाम है उनका? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी कौन से स्कूल में पढ़ाती है? प्राथमिक विद्यालय जुरपुरा नूनफर। नूनफर। किस बेस पर उसका मतलब ये नौकरी हुआ था? पंचायत शिक्षिका। मतलब एक साल हुआ नौकरी का? हाँ एक साल कुछ महीना, तेईस फरवरी को ज्वाइन की थी 2022। मतलब देखिए कि एक ही साल नौकरी का हुआ है और पत्नी का मन इतना बढ़ गया है कि मतलब छोड़ के चले गई है। अभी तो मान लीजिए कि कुछ दिन रहना चाहिए था और इनको छोड़ के ही तुरंत चले गए। कहाँ रहती थी पत्नी आपकी? पत्नी तो नौकरी के बाद 4 महीना यहीं से अपडाउन की, उसके बाद कौवा में रूम ले ली। अच्छा। उसके बाद एक बच्ची मेरी हॉस्टल में रहती थी वहाँ रही, उसके बाद जो है मेरा लड़का जो है मम्मी के साथ रहती थी। अच्छा। मम्मी उसको रखनाई बंद कर दी, गर्मी छुट्टी में मेरी बच्ची आई स्कूल में छुट्टी में, तो बच्ची को मम्मी के पास रखी, तो 30 दिन की छुट्टी में मेरी बच्ची को 8 दिन ही मम्मी रखी, उसके बाद घर भेज दी। मेरी पत्नी गर्मी छुट्टी में भी घर पर नहीं आई थी। अच्छा। उसका मानसिकता गलत था, उसके बाद जो है यही चेंज होते गया। उसके बाद दुर्गा पूजा से होना पता। जात एक ही था क्या? हाँ जात सेम थी। कौन फंसा के ले गया उसको? वो जात सॉरी जात अलग अलग था। अच्छा। और दोनों का जात अलग, वो रविदास में आता है और एक जैसे बैठा में आता है, सेम अलग अलग। नहीं नहीं, आपकी पत्नी कौन से समाज से आती है? धोबी समाज से। धोबी समाज से आती है। तो बताइए एक बात बताइए कि प्रिंसिपल जो है वो भी शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है। तो उसकी पत्नी कुछ नहीं कह रही है अपने प्रिंसिपल? पता हुआ था ना, पता हुआ। बात किए थे उसकी पत्नी से? नहीं घर पे नहीं गए थे हम, उनके घर पर नहीं गए थे। नहीं गए थे? नहीं। तो आप किराए के मकान पे अपनी पत्नी को रखते थे? नहीं, वो खुद रूम ले ली थी। रूम लेके रहती थी? खुद रूम ले ली, बोली कि जैसे मुझे आने में हरासमेंट हो जाती है, मुझे दिक्कत होता है, अपना तरह तरह के बहाना करने लगे। उसके बाद रूम ले ली, उसके बाद जैसे कोई भी पत्नी पति पत्नी के लिए अच्छा ही सोचता है, बोलो चलो जैसे तुम जहाँ खुश रहो वहीं हम भी खुश रहेंगे। रूम ले ली, उसके बाद वहाँ रूम पर हमको आना जाना बंद कर। आप बता रहे थे कि अब
स्कूल 3-4 महीना 5 महीना से नहीं जा रही है तभी अटेंडेंस बन रहा है, सैलरी आ रहा है, कैसे हो रहा है? दुर्गा पूजा से ही स्कूल नहीं आ रही है। अच्छा। दुर्गा पूजा की छुट्टी समथिंग 23 से थी। अच्छा। वो लगभग 19 या 20 या 21 तारीख की से नहीं, 2 दिन पहले से बृहस्पतिवार से वो नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, बृहस्पतिवार से वो जैसे भागी हुई है और अभी तक स्कूल नहीं आई, फिर भी उसका अटेंडेंस बनते गया। देखिए प्रिंसिपल साहब मौज का फायदा जो है इनकी पत्नी को दे रहे हैं, जहाँ मौज कर रहे हैं और घूम घूम कर जो है छुट्टी मना रहे हैं और पत्नी का सैलरी बन रहा है, स्कूल नहीं आ रही है, मतलब गर्लफ्रेंड बनने के बाद, प्रिंसिपल के गर्लफ्रेंड बनने के बाद जो है अटेंडेंस फ्री में बन रहा है। ऐसे भी मास्टर लोग स्कूल जाता कहाँ है, उनका तो अटेंडेंस बन जा रहा है, लेकिन इनकी पत्नी को फायदा हो गया हेडमास्टर से चक्कर चलाने का कि उनको अटेंडेंस देना नहीं पड़ रहा है और सैलरी उठ रहा है, यही ना? जी, सैलरी उठ रहा है। तो अब क्या कीजिएगा आप? मैंने जो है उच्च स्तरीय कार्रवाई किया, किसी सरकार से मैं अनुरोध किया, मैंने मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा सचिव जी को, मैंने के पाठक जी को, सबको मैंने आवेदन दिया, डीओ साहब के, बीओ साहब को, मैंने सब जगह आवेदन दिया। जो स्कूल नहीं करती फिर भी किस आधार से उनका से बन रहा है, पेमेंट बन रहा है, तो मुझे राहुल राम द्वारा जैसे जान से मार देने की 1 तारीख की धमकी। कौन है राहुल राम? वही जो है से हेडमास्टर है। हाँ, हेडमास्टर है, जो 1 तारीख को मुझे संध्या लगभग 7:45 आए थे जब हम गेट बंद कर रहे थे, तो आया कि जो भी आवेदन दिए हो उसको उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को मैं मार के सुला दूंगा। मतलब हेडमास्टर इतना प्यार में पगलाया हुआ है जी, इतना जैसे मेरे, अब वो देखा कि अब जाँच होगी तो मेरा नौकरी पर पड़ेगा, तो वो देखा कि घर में 3 ही व्यक्ति है, एक जो है उनका हस्बैंड है, 2 बच्चा है, 1 वृद्धा माँ है। चार चंदन जी, आपको लगता है कि ऐसे ऐसे शिक्षक जो है, जो दोनों तो खैर शिक्षक है, एगो तो हेडमास्टर है, एगो तो आपकी पत्नी मास्टर है, तो ऐसे ऐसे शिक्षक को नौकरी में होना चाहिए जो ऐसे ऐसे संस्कार रखते हैं, ये दूसरी की बीवी भगा लेते हैं, अपने पति को छोड़ के भाग जाते हैं, वो बच्चे को क्या संस्कार देंगे जब वो उनका अपना संस्कार है नहीं, तो वो बच्चे तो दोनों की नौकरी जानी चाहिए, तीनों को। इसमें बीओ साहब क्यों रखें? बीओ साहब का भी चक्कर चल रहा है क्या? नहीं, बीओ साहब को जब संज्ञान में रहा तो उनको 8-10 हज़ार रुपया की मंथली मिल रहा है। कौन है बीओ साहब? बीओ साहब पटोरी के कोई है, शेखर या कुछ नाम है इसी तरह, जो पटना के रहने वाले हैं, स्कूटी चढ़ते हैं, उनके यहाँ भी मैंने बच्चे के लिए कट्ठो कर खाया 2-3 बार। शेखर जी, जो डीओ साहब जो है, बीओ साहब जो है पटोरी के, जरा ध्यान दीजिएगा कि आप ही के एक मास्टरनी है जो हेडमास्टर के साथ चक्कर चलाती है और वहाँ पर अटेंडेंस जो है अपना फ्री करवा लेती है ताकि सैलरी बनते रहे, स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना जाए, और यहाँ चंदन जैसे लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, उनका 2-2 बच्चा है, दोनों का हाल खराब है, और आप जैसे इस महिला कर कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसी ऐसी घटना ना होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट है, बीओ साहब तो खुद भ्रष्ट है, अगर भ्रष्ट नहीं रहते तो आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? इससे अच्छा तो मेरे जैसे आपकी शादी कैसे हुई थी ये बताइए? वो मेरे शादी लव मैरिज हुई थी। आप लव मैरिज किए थे, कहाँ आप देख लिए थे इसको? रिश्तेदारी में गए थे। आप किसी की शादी में गए थे तो वहाँ पसंद कर लिए, तो आपको लगा क्या यही जीवन संगनी है? जी जी। और आपने सोचा क्या कि 10वां 12वां हर चीज़ हम ही पढ़ाएंगे? वो जैसे खुद तो क्या लगता है जो आज के पति जो है, जाते जाते ये बताइए, आज के जो पति है उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी अभी आपके जैसा मास्टर बनाने का कितना पति ख्वाब देखा होगा कि अपनी पत्नी को जो है मजदूरी सब कुछ करके हम बनाएंगे, पूरा मास्टर बनाएंगे, तो उसका क्या अभी हाल होगा? बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। अच्छा, देखिए बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ ना, पत्नी को नहीं पढ़ाओ, वही पत्नी को नहीं पढ़ाओ या बहू को मत पढ़ाओ। अच्छा, नहीं तो चंदन रजक जी और अशोक मोरिया वाला हाल हो जाएगा, यही ना? जी जी जी, आलोक मोरिया वाला हाल हो जाएगा। जी जी जी, तो यही आप चाहते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाए खाली, लेकिन बेटी को पढ़ाइए लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाइए। हाँ, बेटी को पढ़ाइए मगर पत्नी को मत पढ़ाइए। अच्छा, उसके बाद आपके बच्चे लोगों का क्या होगा? अब बच्चे लोग को मैं खुद खाना बनाता हूँ, बच्चे को अच्छा स्कूल में नाम एडमिशन करा दिया हूँ, बच्चे को खाना बना के बच्चे को स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं फिर जो है समय से बच्चा को। पत्नी का क्या डिग्री था? ग्रेजुएशन पास थी। उसके बाद क्या की थी? डीएलएड। आप भी डीएलएड किए हैं? जी, डीएलएड मैं भी कर किया। सीटेट टूटेट सब पास किए आप लोग? नहीं, मैं वो सीटेट बीटी पास है, बीटेट, और मैं जैसे 4 नंबर से छूट गया। चलिए, तो देख सकते हैं किस तरह से चंदन रजक जी हैं, जिन्होंने अपना पत्नी को जो है 10वां 11वां 12वां, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद डीएलएड सब कुछ पास करवाया, ये समझ के कि उनका घर भी अच्छा चलेगा, ये भी किस दिन मास्टर बन जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बेचारे बेरोजगार रह गए, एक प्राइवेट शिक्षक रह गए, इनकी पत्नी को जो है हवा लग गया शहरी वाला, और वो हवा जो है इनको कहीं ना कहीं घातक कर दिया, जहाँ पर अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के साथ अब फरार हो चुकी है, और बदले में हेडमास्टर जो है फ्री में उसका अटेंडेंस बना देता है,
है ताकि स्कूल ना जाना पड़े और रूम किराए रंगरंगलिया जो है वो घर बैठे बैठे मनाते रहेंगे। तो देखिए ऐसी ऐसी हालत हो गई है, और जो भी टीचर वाला वैकेंसी आ रहा है, मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद जो है बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नी को बुला लेंगे कि बोलेंगे भाई सीटेट टीटेट और ये सब जो है डीलेट वाला ये सब करना बंद करो, नहीं तो पता चला चंदन जी वाला और फिर बाद में SDM ज्योति मौर्या वाला आलोक मौर्या वाला जो है हाल हो जाएगा। तो बने रहे हमारे खबर के साथ किस तरह से इनके साथ बर्बरता हुई है। और अभी हम मौजूद थे जंदाहा के महीपुरा में, जो कि वार्ड नंबर 6 है, साली जिला पड़ता है, और हम वहीं पर मौजूद थे।